सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में संदीप लकड़ा हत्याकांड का चला आ रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीएम की प्रतिनिधि के तौर पर परिवार वालों से मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने संदीप लकड़ा की पत्नी सलीमा को कलेक्टर दर पर नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही 25 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की बात कही। लंबी चली बातचीत के बाद संदीप के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई है और छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर 1 टीम बनाई गई है जो मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी होगी और इस मामले में जितने भी लोग शामिल होंगे उसकी जांच कर सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मीन जी, भोलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम को राम जी और रावटे जी पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8 लाख 25 हज़ार जिला प्रशासन की ओर से और 1 लाख 75 हज़ार रुपये मैंने स्वयं के अपने निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8 लाख 25 हज़ार की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दो में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास की योजना है उसके तहत उनकी बेस्ट जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है, 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करेंगे।